मम्मी पापा की सेवा करने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, मौका मिले तो हमेशा करना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि व्लॉग की स्टार्टिंग में देख रहे हो, मम्मी ने खाते खाते स्टार्ट किया और वीडियो चालू देखते हुए मम्मी ने मुंह बंद कर दिया। पकड़ा गई। तो मम्मी बोल रही है कि मेरा मुंह जब रुक जाएगा तब वीडियो लेना, वरना मैं खाते हुए ही आ जाऊंगी। तो मैं बोला कोई नहीं, चलता इतना तो। तो मम्मी हम तो पकड़ा गई, अब क्या ही कर सकते। तो गाइस ये देखिए, नाश्ता में मतलब मम्मी ने तो मस्त वाला एकदम चाय बना दिया है। और शायद से मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रॉस में देखूं क्योंकि मम्मी भी बैठी है एंड नमकीन का ऑलमोस्ट दे एंड होने वाला है। इसके वजह से आज पैकेट ही लेके बैठ गए, तो पैकेट भी ख़त्म ही होने वाला है। मस्त में नाश्ता कर लेते हैं एंड मम्मी हंस रही है पर मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा है दर्द। पहले चाय नाश्ता कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर मम्मी के पैर का मालिश कर देता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल जो मम्मी ने वटाने का और आलू का मतलब मिक्स वाला जो पराठा बनाया था वो मम्मी ने खुद नहीं खाया, सिर्फ मैंने और पापा ने ही खाया। क्योंकि मैंने और पापा ने मम्मी को एक दिन बोला था कि मतलब फिर से बनाना, तो और कल मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो कोई भी ज़रूरत थी नहीं बनाने की, पर मम्मी ने बना दिया। पर मम्मी का पेट ठीक था नहीं, मम्मी ने नहीं खाया। अपने लिए थोड़ा सा एकदम चावल डाला था मम्मी ने, तो मम्मी ने मतलब थोड़ा सा नॉर्मली चावल और सब्जी खाया। आपको तो पता है मतलब पेट खराब हो गया था जिससे मम्मी को बहुत बारी वॉशरूम जाना पड़ा, तो मम्मी का बॉडी पूरा ढीला पड़ गया था। तो शायद से उसके वजह से मम्मी को कमज़ोरी मतलब वीकनेस लगता होगा अंदर से, आप लोग समझ ही सकते हो गाइस। तो इसके वजह से शायद से मम्मी के पैर में दर्द है। तो चलिए मैं और मम्मी दोनों लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर मम्मी लेट जाएगी तो फिर मैं मम्मी के पैर में थोड़ा सा मालिश कर दूंगा। पैर दुख रहा है, मतलब ये घुटना होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो इसके वजह से भी तो मैं थोड़ा सा मालिश कर देता हूँ ताकि मतलब आराम हो जाए मम्मी को। एंड आप लोग भी करना गाइस, आपके भी घर पे मीन्स मम्मी पापा या किसी की भी तबीयत खराब हो तो प्लीज जरूर से जरूर उनकी सेवा करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी मत समझना आप लोग कि मैं वीडियो के जरिए ये चीज कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चीज बहुत पहले से ही करता आ रहा हूँ, वो तो अब मैं आप लोगों से जुड़ गया हूँ और मैं अपना डेली लाइफ बेसिस दिखाना है मुझे, तो ये सब भी उनमें से ही एक हिस्सा है तो जिसके वजह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं हर चीज़ गाइस मैं एकदम मेंटेन करके कर सकता हूँ कि मैं तो हर चीज़ प्रॉपर अपने अपने जगह पे सेट करना, लेकिन मुझे रेगुलर ब्लॉगिंग करना है तो इसके लिए जो चीज़ें जैसी होती हैं वो वैसे ही रहती हैं। एंड जब घर क्लीन रहता है वो भी आप लोग देख लेते हो, एंड जब घर नहीं क्लीन रहता है वो भी आप लोग देख लेते हो। जैसे अभी ये टावल यहाँ पे लटक रहा है और मुझे दिख रहा है वीडियो में, लेकिन मैं ये टावल नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मैं कितने दिन हटाऊंगा? अगर मैं रेगुलर ब्लॉग कर रहा हूँ इसको मैं नहीं हटा सकता हूँ ना। गाइस मम्मी पापा की सेवा करने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, मौका मिले तो हमेशा करना, आप सब भी करना गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये, क्योंकि मम्मी सुबह से उठ के नॉन स्टॉप रात तक काम करती है, पापा भी काम पे जाते हैं एंड फैन भी चालू है तो शायद आप लोगों को अलग से ही आवाज आता हो, क्योंकि फोन थोड़ा सा मैंने दूरी पे रखा है और बिना माइक कनेक्ट किए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाउडली मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों तक आवाज जाए। मम्मी मुझे अभी ये बता रही है कि मैं जब गांव से आ रही थी तो सेम सामने ही मेरे अंकल आंटी बैठे थे और उनके दो लड़के थे, तो मम्मी मुझे ये बता रही है कि वो लोग भी अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। तो मम्मी वही कह रही है कि मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी और लड़के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, कि मतलब मम्मी पापा से इतना अच्छा कनेक्शन था, मतलब इतना ज़्यादा उन लोग प्यार करते थे अपने मम्मी पापा को और मम्मी पापा भी उनके मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे अपने बच्चों को। तो मम्मी वही बोल रही है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है। मम्मी बोल रही है कि लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब मम्मी पापा को भी बच्चों के साथ और बच्चों को भी मम्मी पापा के साथ। तो गाइस फाइनली मम्मी का पैर वैर तो मस्त में मालिश कर दियो और इसको रख देता हूँ, चलिए चाय नाश्ता भी कर लियो एंड मम्मी का पैर भी मालिश कर दियो। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे बाहर घूम के आते गए, अच्छे से क्रीम लगा के बाहर तो अभी भी एकदम जोरों शोरों से काम चालू है, तो होप्स हो कि काम जल्दी खत्म हो जाए। और ये देखिए मैं थोड़ा आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ, तो काम की स्पीड तो काफी तेज है, बस जल्दी से स्टेशन बन जाए तो एकदम ही मजा आ जाएगा गाइस। देखिए सोडे वाले भैया, और आज का तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा मस्त है, एकदम मजा आ रहा है घूमने में। और जब गर्मी के दिनों में ऐसा क्लाइमेट होता है एकदम ठंडा ठंडा तो काफी ज्यादा मस्त लगता है। ये देखिए कितने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए, थोड़ा सा रुक के देख गाइस देखते हैं 3-2-1।
एंड पोपट हो गया है मेरा, जितना एक्साइटमेंट से मुझे देखे नीचे तीन तीन अंपायर, तो यहाँ पे तो लग रहा है मुझे डिले होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा। तो गाइस गाड़ी को तो मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और चलते हैं अंदर साइड थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं। ये तो मलिंगा के छोटे भाई लग रहे हैं और वाह काफ़ी अच्छा उनको रिप्लाई दिया गया, मतलब बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं। इस वैसे तो मोस्टली मतलब सैटरडे संडे ही भीड़ होता है, पर पता नहीं आज कैसे मंगलवार को इतने ज़्यादा लोग हैं, तो शायद से यही रीज़न होगा क्योंकि क्लाइमेट आज का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है। बारिश के टाइम पे एकदम वो काला वाला बादल आता है ना, सेम वैसे ही है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो शायद से इसके वजह से आज बहुत लोग आए हैं खेलने के लिए। अच्छा है, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी मौसम रहे हमेशा, पर गर्मी का भी होना ज़रूरी है, ठंडी का भी, बारिश का भी, तो सब तो भगवान के हाथ में। तो चलिए गाइस यहाँ से चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा बहुत घूम के फिर आते हैं, फिर चलते हैं गाइस घर पे। तो गाइस आप लोगों को भी समझ में आता ही होगा कि मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है और एकदम मस्त सा क्लाइमेट लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है मतलब स्कूटी पे भी घूमने में, पैदल भी होता तो भी मज़ा ही आता। गाइस बाहर निकल के तो काफ़ी मज़ा आया, मतलब थोड़ा घूमा उमा और क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, तो निकलने पे मतलब सफल हो गया, मतलब निकलना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर पे और अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ डायरेक्टली घर पे। और ये ब्रेकर देखिए पहले, एंड गाइस मुझे तो ये वाले ब्रेकर का तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता है, मतलब ये ब्रेकर बनाया क्यों है, क्योंकि एक तो पूरा बॉडी हिल जाता है और सेकेंड थिंग कि ये ब्रेकर इतना छोटा है कि इस पर क्या ही कोई गाड़ी कंट्रोल होगा, तो ऐसा लगता है कि ब्रेकर यूज़ के लिए बनाया गया या गाड़ी ख़राब करने के लिए, क्योंकि पूरा गाड़ी का एक एक पार्ट इसमें बोलने लगता है और बॉडी तो जो हिलती है वो अलग ही। बिल्डिंग में से तो एकदम मस्त मस्त व्यूज़ लेते होंगे सब, एंड फिर से वही सेम ब्रेकर आने वाला है, तो ये ब्रेकर आते आते तो मैं वीडियो को रोक दूंगा और डायरेक्टली मिलूंगा गाइस आप लोगों से घर पे। तो अभी गाइस मस्त में मैं घूम घूम के भी आ गया हूँ और मम्मी तो अभी लेटी हुई है आराम से, आप लोग देख ही सकते हो, एंड थोड़ा सा बाहर जाने से होता है ना गाइस थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगता है, और होप्सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। तो मम्मी थोड़ा भी आराम हुआ कि नहीं? मम्मी बोल रही अभी नहीं हुआ आराम, तो थोड़ा भी आराम नहीं हुआ, 10% भी नहीं, 10% हो गया। हाँ 10% हो गया, मम्मी हंस रही है, मम्मी मुझसे बोल रही है कि जल्दी से मुझे मोबाइल पे कोई न्यूज़ लगा के दो, कब से रिक्वेस्ट कर रही है, तो चलो दे ही देता हूँ, नहीं तो मम्मी बोलेगी वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पर पहले तो ऐसा था ना कि रिमोट लेके मम्मी ये सीरियल वो सीरियल, पहले ऐसा था ना गाइस कि हम पूरी फैमिली एक ही साथ रहते थे तो फिर देखते थे, तो तब तो मतलब मज़ा आता था क्योंकि हम लोग भी तब छोटे थे तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, तो मम्मी को भी ऐसा मस्त वाला एकदम हैबिट है न्यूज़ देखने का, पापा के साथ साथ मम्मी ने भी अपना अच्छा हैबिट बना लिया। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, मतलब मम्मी तो बोल रही है अभी मम्मी को 10% ही आराम हुआ है, तो थोड़ा बहुत घर का काम जो है थोड़ा बहुत मैं करा देता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प हो जाएगी और फिर मम्मी एक दो घंटा आराम कर लेगी तो मम्मी को रिलैक्स हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, तो गाइज़ मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय। सही है मम्मी, वीडियो देख देख के मम्मी भी एकदम